जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, जो शनि ग्रह 30 जून 2024 रविवार तक सुबह 12:35 तक, ये अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, नॉर्मली अपनी कक्षा में घूम रहे थे, वो शनि ग्रह 30 जून रविवार 2024 को 12:35 पर ही, अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, उल्टी डायरेक्शन में घूमने लगेंगे, वक्री हो जाएंगे, और वो भी लगातार 15 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन 7:51 शाम के समय तक वक्री ही रहेंगे। ये वो शनिदेव हैं जिनके वक्री होने पर, आप याद कर लीजिए, ये लगभग इसी समय वक्री होते हैं, हर साल वक्री होते हैं। कितनी बाढ़ आती है, कितनी बर्बादी होती है, कितनी फसलों का नुकसान होता है, कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, कितने लोगों के घर बार मकान ढह जाते हैं, और कितने लोग बाढ़ में ही बह जाते हैं। शायद जो आंकड़े न्यूज एजेंसी के माध्यम से हम देखते हैं टीवी चैनलों पर, शायद वो सच नहीं हो सकते उनकी पूरी जानकारी देने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है इस बाढ़ की विभीषिका से, भूकंपों की परेशानियों से। जो हमेशा शनि और बृहस्पति जब वक्री हो रहे होते हैं उसी समय होती हैं, और लगभग आसपास ही शनि और बृहस्पति देवता वक्री होते हैं, तो एक कभी कभी एक आध महीने का अंतर बीच में होता है। तो ये जो शनि ग्रह की जो वक्री अवधि है वो 139 दिन के लिए शनि महाराज, शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं। तो 139 दिन तक ये किस प्रकार से मुझे और आपको प्रभावित करेंगे, इस बात की चर्चा करने के लिए मैं गुरु रजनीश ऋषि, स्वामी राज ऋषि के साथ आज आपके समक्ष शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में पुनः उपस्थित हुआ हूं। मेरा शनि को निशा करता था, एक गुरु जी के फोन करके बताया, गुरु जी को बोला तो पंखी बना देंगे हमारा पुत्र को पहनाना, उससे निशा छोड़ देगा। हम हस्बैंड के लिए अंगठी बना दिया, आज मेरा हस्बैंड निशा से कमती कर दिया, और गुरुदेव का मेरा आशीष, धन्यवाद। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं उन सभी लोगों से जिन्होंने शनि पीठ मंदिर के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हालांकि आप लोगों की वजह से ही इस शनि पीठ मंदिर के चैनल पर 23.5 लाख के लगभग सब्सक्राइबर हैं, मगर अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जिस समय ये शनि ग्रह वक्री होंगे उस समय आसमान में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, तो सबसे पहले मैं उसकी जानकारी आपको देता हूं। उस समय आसमान में मीन राशि उदय हो रखी है 30 जून को, जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, सुबह 12:35 की, उस समय आसमान में मीन राशि उदय हो रखी है। राहु के साथ चंद्र महाराज, चंद्र ग्रह मीन राशि में ही विराजमान है, और यहाँ चंद्र ग्रह को ग्रहण लग गया है। मंगल ग्रह मेष राशि में विराजमान है, बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में विराजमान है, सूर्य और शुक्र मिथुन राशि में विराजमान है, बुध ग्रह कर्क राशि में विराजमान है, केतु महाराज कन्या राशि में विराजमान है, और शनि महाराज कुंभ राशि में विराजमान है। और यहाँ बैठकर ये सभी ग्रह हमें किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, उसमें से मैं इस समय जो शनि ग्रह के वक्री होने की चर्चा आपसे करने जा रहा हूं, बात करूंगा मैं तुला राशि यानी लिब्रा जोडियाक साइन वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वालों, जो शनि ग्रह अभी तक आपकी संतान के खाने में बैठकर आपको शुभता प्रदान कर रहे थे, आपके पढ़ाई लिखाई के खाने में बैठकर आपको पढ़ाई लिखाई में फोकस करवा रहे थे, मदद कर रहे थे, जो आपके प्रेम संबंधों वाले घर में बैठकर आपके प्रेम संबंधों को मजबूत कर रहे थे,
वो शनि ग्रह अनायास जब 30 जून को वक्री हो जाएंगे 139 दिन के लिए, तो सच में ही आपकी अगर जन्म कुंडली में भी वो अशुभ अवस्था में बैठे हुए हैं और आपकी जन्म कुंडली के अन्य ग्रह कमजोर हैं और खराब है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको के प्रेम संबंध टूट सकते हैं, आपका मन पढ़ाई लिखाई से विरक्त हो सकता है, आपकी जो संतान अभी तक आपका नाम रोशन कर रही थी वो आपका परेशानी में डाल देगी, आपके लिए परेशानी खड़ी कर देगी। और ये जो अवस्था 139 दिन जो बहुत लंबा पीरियड होता है 139 डेज का, इतने दिनों तक बनी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप बिना किसी झिझक के शुक्रवार के दिन शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर मुझसे मिलिए। शनि पीठ मंदिर में हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से जनता दरबार लगता है। इस जनता दरबार में मैं बिना किसी फीस के, वैसे मेरी फीस 6,000 रुपये चार्ज करता हूं एक व्यक्ति से, मगर जनता दरबार में मैं आपसे अपने लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करता। उस जनता दरबार में आप आइए, मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आसान उपाय बताऊंगा जो या तो साल में एक बार करेंगे या 3 साल में एक बार करेंगे, मगर लाभ आपको पूरे 1 साल तक मिलता रहेगा या 3 साल तक मिलता रहेगा। किंतु शुक्रवार के दिन जनता दरबार में आने से पहले भगवान शनिदेव जो यहाँ पर बहुत दिव्य स्वरूप में विराजमान है, हाथी पर बैठे हुए पालती मार के, उनके स्वरूप के दर्शन करने से पहले भगवान शनिदेव को भोग लगाने के लिए 250-250 ग्राम 5 अलग अलग तरह की मिठाई, यानी 1.25 किलो मिठाई अवश्य लेकर आए, और उस मिठाई का भोग भगवान शनिदेव को लगवाएं, तभी आपकी जनता दरबार में एंट्री होगी और मुझसे मुलाकात होगी। तो फिर देर किस बात की है, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बिना किसी अपॉइंटमेंट के शुक्रवार सुबह 11 बजे जनता दरबार में आ सकते हैं भगवान शनिदेव को भोग लगाने के लिए। 1.25 किलो मिठाई का प्रसाद हर उस व्यक्ति को लाना अत्यंत आवश्यक है जिसने अपने बारे में मुझसे बात करनी है, अपनी परेशानियों के बारे में जो भी व्यक्ति बात करेगा वो अलग से 1.25 किलो मिठाई का प्रसाद लेकर आएगा, तभी मेरी उससे बात होगी जब वो भगवान शनिदेव को भोग लगा देगा। जय शनिदेव।